नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज है रविवार। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, ये रविवार के दिन तो आप करें ही करें, और किसी दिन ना कर पाए तो रविवार के दिन तो आप जरूर करें इस उपाय को, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको रेगुलर करते हैं तो भी इसका जो फल है वो आपको जबरदस्त रूप से, मतलब कि जो इसके फल फल की मात्रा है, फल मिलने की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है यदि आप इसका रेगुलर, इस उपाय को आप रेगुलर करते हैं। और ना कर पाए तो फिर रविवार के दिन जरूर करें। इस उपाय को रविवार के दिन करने से आपके सूर्य मजबूत बनते हैं। सूर्य जिस भी व्यक्ति के मजबूत बनते हैं दोस्तों, वो लाखों में अलग ही चमकता है। अब कितने ही लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग डिग्रीज होती है। कुछ की कुछ कम डिग्री होती है, किसी की ज्यादा होती है। किसी के कुंडली में सूर्य है तो मजबूत, लेकिन उनके ऊपर दूसरे बुरे ग्रहों के असर है, बुरे ग्रहों के साथ में है, क्रूर दूसरे जो ग्रह है उनके साथ में, और वो ग्रह आपके कुंडली में कमजोर होते हैं तो भी आपको उतना फायदा नहीं मिलता। सूर्य बिल्कुल बिना किसी चीज के, चीज से असर ग्रस्त हुए यदि आपकी कुंडली में मजबूत है, उच्च के हैं, स्वग्रही है, तो आपके व्यक्तित्व को दोस्तों कोई दबा नहीं सकता। आप देखना, आपके हजारों दुश्मन बनेंगे, हजारों की संख्या में आप जहां भी रहेंगे शत्रु आपके डेवलप होते रहेंगे यदि आपके राहु थोड़े भी कमजोर हैं। लेकिन यदि आपके सूर्य मजबूत है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सूर्य की जो चमक है, जो कीर्ति है, वो जबरदस्त होती है। मैंने कई ऐसे लोग देखे दोस्तों जिनके सूर्य मजबूत है, जब वो ऐसी जगह जाकर के खड़े हुए जहां उनके शत्रु ही शत्रु थे, जो लोग कंप्लीट उनके विरोध में बात करते थे, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की एंट्री पड़ी सबके मुंह बंद। क्यों ऐसा? वो तो उतना ही प्रमाण में है, पांच है, छह है, सात है, सब इकट्ठा हो चुके हैं। जब भी देखना दोस्तों, शत्रु कमजोर है तो इकट्ठा होगा, ग्रुप बनाएंगे ये लोग। ग्रुप बना करके कोई भी सही व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। आप देखना, आप इतिहास उठा करके देखो, कई लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं अंदर से कि मेरे खिलाफ तो इतने सारे शत्रु हैं, मुझे कहीं पर भी विजय नहीं मिलेगी, ये लोग ऐसे करते वैसे करते, अंदर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन आप कभी नोटिस करके देखना, आप इतिहास पढ़ना, जितने पावरफुल लोग हैं उनके शत्रु उतने ही प्रमाण में ज्यादा हैं, और उनके साथ जबरदस्त धोखे हुए, क्योंकि सीधे सीधे तो उनका मुकाबला करना किसी के बस में नहीं था, तो लोगों ने एकत्र होकर के उनके खिलाफ षड्यंत्र किए, धोखे किए। तो ये तो आदिकाल से होता चला आ रहा है। यदि आपके शत्रु ज्यादा हैं, समझ जाइए आप बहुत पावरफुल हैं, अपनी दिशा में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। और दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को आप करना शुरू कर दें। यदि आपके सूर्य कमजोर भी हैं तो भी आप इस उपाय को जरूर करें, आपके सूर्य मजबूत होने लग जाएंगे। हजारों में, लाखों में आप अलग ही दिखाई देंगे। आपके आवक के जो स्रोत हैं जबरदस्त मजबूत हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई कितना भी टोना टोटका ये ते आपके ऊपर करता रहे, आपकी आवक के जरिए बंद करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसकी वो असर नहीं होगी जो असर होनी चाहिए। थोड़ी मामूली असर होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी यदि आपके सूर्य मजबूत हैं, ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, रविवार के दिन जितना ज्यादा हो सके आप गुड़ खाएं, मतलब जितनी बार खा सके गुड़ खाएं। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख करके घर से बाहर निकले, जब भी आप कोई जरूरी काम से निकल रहे हैं। रविवार के दिन यदि आप अपने मुंह में गुड़ का टुकड़ा रखते हैं छोटा सा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। गुड़ थोड़ा सा खाएं और पानी पिए। कोई भी शुभ कार्य के लिए आप कोई प्लानिंग भी बना रहे हैं और यदि रविवार का दिन है, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा ले, ऊपर से पानी पिए, फिर आप प्लानिंग करें, आपका काम सफल होगा। आप जो भी प्लान बनाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। रविवार के दिन आपके घर में यदि कोई मेहमान आते हैं, आपके कोई नियरेस्ट व्यक्ति आते हैं, तो आप कोई शर्म संकोच ना करें, उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं और पानी दें। और अभी तो अब कुछ ऐसा प्रचलन में आ गया है जैसे मिठाई देना, ये देना, वो देना, लेकिन पहले आप देखना, पहले के जो लोग थे
कभी खाली पानी किसी को प्रोवाइड नहीं करते थे। किसी के भी घर में जब कोई जाता था तो उसको गुड़ ही दिया जाता था, गुड़ और पानी। इसके पीछे एक नहीं दोस्तों, ढेरों मान्यताएं। एक तो आपके मंगल मजबूत बन जाते हैं, आपके सूर्य मजबूत बन जाते हैं। दूर से आया हुआ व्यक्ति थका हुआ होता है, कई बार धूप उसको लग जाती है जब व्यक्ति दूर से आता है, और ऐसे में अगर वो खाली पेट पानी पीता है तो पानी नुकसान कर जाता है। और उस समय यदि आपको उसको गुड़ देकर के पानी दिया जाए तो पानी नुकसान नहीं करेगा, शरीर में जो कमजोरी आई है वो भी पूरी हो जाती है, उससे फिनिश हो जाती है, कमजोरी तकलीफ नहीं दे पाती है। तो गुड़ अमृत के समान काम करता था। इसके लिए लोग, जिन्हें पता था वो तब भी गुड़ देते थे, आज भी गुड़ देते हैं। मिठाई की अपनी विशेषता है, वो अपना अलग महत्व रखती है, लेकिन किसी को गुड़ देना और वो भी रविवार के दिन देना आपकी किस्मत को दोस्तों चमका देता है। रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति, यदि आपको थोड़ा एजेड हो, उम्र लायक हो, ऐसे व्यक्ति को गन्ने का रस पिला दे। गन्ने का रस पिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का ढेर लग जाता है। रविवार रविवार, ज्यादा नहीं तो 5 रविवार आप किसी गरीब व्यक्ति को। फिर ऐसा नहीं है, कई लोगों को यदि ये कहा जाए कि आपको इस दिन इस चीज का दान करना है तो सिर्फ वो दान कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जरूरत थी, आपने उसे गन्ने का ग्लास दिया, गन्ने के रस का। आपने अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा मोड़ा, ये वो फेंक दे और चला जाए, तो क्या वो दान हुआ? दान का अपमान हुआ, उस चीज का अपमान हुआ जो आपने उसको दिया था। पुण्य के बदले आप पाप के भागी बनते हैं। अपना पैसा, अपने घर का अनाज, अपने द्वारा दी गई दान की चीजों का यदि दुरुपयोग हो जाता है तो आप भी उसमें पाप के भागी बनते हैं, है ना? तो कहीं पर भी दान करें, देखें कि सामने वाले को आवश्यकता है, तभी आप इन चीजों का दान करें। कुछ ही दिनों में दोस्तों आप देखेंगे आपकी किस्मत चमकेगी। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।